आज हमारे साथ एक टैलेंटेड बर्डिंग सिंगर जो है रजौरी से हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है। आज उन्हीं के साथ आपको रूबरू करवाएंगे और कुछ गाने भी उनसे सुनेंगे, क्योंकि आज के वक्त में जिस तरह से लगातार हमारी कोशिश भी रहती है कि जम्मू कश्मीर में तमाम जितना भी हमारा टैलेंटेड यूथ है उनसे आपको रूबरू करवाया जाए, और इसी कोशिश के साथ आज मेरे साथ एक बर्डिंग सिंगर जो है रजौरी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी और उनसे जानेंगे कि सिंगिंग को लेकर किस तरह से उनका पैशन जो है वो है। सबसे पहले तो अरुणदीप सिंह, आपका स्वागत है जेके न्यूज पॉइंट में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सत श्रीकाल, नमस्ते, आदाब सबको। और मेरा नाम अरुणदीप सिंह है और मैं जम्मू की डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हूँ और एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, गाता हूँ। और मैंने सीखना भी 3-4 साल से शुरू किया हमारे राजौरी में सुकुल म्यूजिकल विंग्स, जो मेरे म्यूजिक टीचर हैं साहिल मेहरा सर, उन्हीं से मैंने सीख रहा हूँ। गिटारिंग मैंने उनसे सीखी है और अभी वोकल का भी उन्हीं से कर रहा हूँ। बिल्कुल अरुणदीप, हम बातें भी करेंगे और आपके सफर के बारे में और भी जानेंगे, पर सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई भी अपना पसंदीदा गाना जो है वो एक सुना दें। तो मैं ज्यादा ना, मैं पंजाबी सूफी गाता हूँ, तो मैं कुछ पंजाबी सूफी बिल्कुल सुनाऊंगा आपको। जी, बिल्कुल हाँ ठीक। तो पहले आप मुझे बताना कि गिटार की आवाज क्लियर है? जी। ते में रंगली सेज बनाई रावा तक दिया मैनू शामा पया हाय वे तेरी अज भी खबर ना आई। सानू एक पल चैन नया वे, सानू एक पल चैन नया वे, सानू एक पल चैन नया वे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन नया वे, एक पल चैन नया वे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा कल्या जी नहीं हो लगदा, साडा कल्या जी नहीं हो लगदा, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन नया वे, एक पल चैन नया वे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तेरा ख्याल हर घड़ी है याद ते मुझे तेरी, एक पल जो तुझसे ना मिलूं, पागल के जैसा मैं फिरूं, कोई रुत ना मुझको भावे, कोई रुत ना मुझको भावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, एक पल चैन नया वे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। मैं तकदियां रावे तू छेती छेती आवे, मैं तकदियां रावे तू छेती छेती आवे, वे सानू तेरे वेखने दा चा सांभला वे छेती कर
दरिया जा छवा पै गईया इनब सखलो गईया ए अखियां रो गईया रुक रुक आव देने सा आके मैनू सीने नाल ला जा छावा पै गईया छावा पै गईया। थैंक यू सो मच। बहुत ही उम्दा अरुणदीप सिंह। वहीं बात करें तो आपका कौन है फेवरेट सिंगर अगर बात करें? अभी तो पंजाब में अगर देखा जाए बॉलीवुड में तो अरिजीत जी तो पंजाब में तो सभी दुलंदर है, सब गाते हैं। अब मैं किसका नाम बताऊं आपको, सभी फेवरेट है मेरे फिलहाल। मैं सभी को सुनता हूं, कोशिश करता हूं कि सभी नहीं, गाने गाए। इनके फ्यूचर में किसी के साथ मौका मिले प्लेटफॉर्म शेयर करने का? मेरा एक सपना कि मास्टर सलीम जी के साथ मेरे को है कि मैं उनके साथ मिलना चाहता हूँ। तो बिल्कुल हम यही उम्मीद करेंगे आपका ये सपना जो है बहुत जल्द और पूरा हो। वहीं अरुणदीप अगर बात करें तो आप जिस तरह से 12th स्टैंडर्ड में हैं तो किस तरह से मैनेज कर पाते हैं अपने टाइमिंग को लेकर, क्योंकि 12th क्लास की बात करें और साथ में अपने सिंगिंग पैशन को भी आगे लेके जाना? देखो हर चीज को ना एक टाइम टेबल के साथ रखना पड़ता है, तो ये तो मेरी हॉबी है। तो इसको जब भी जो सबसे प्यारी चीज होती है ना उसको कोई टाइम नहीं होता है, इसको जब पकड़ू तब शुरू हो जाता हूँ। रियाज सुबह उठना पड़ता है, रियाज करते रहो। और रही बात 12th की तो वो अपने पे डिपेंड है कि बंदा पढ़ता कैसे है। तो अभी तो मैंने नॉन मेडिकल रखे हुए, पेपर भी आगे मेरे 39 को मेरे गोल्डन एग्जाम। तो कभी ऐसा होता है कि घर वालों का किस तरह का सपोर्ट है म्यूजिक को लेकर, क्या उनकी तरफ से कोई प्रेशर रहता है कि भाई 12th है पढ़ाई कर ले पूरा दिन गाने गाता रहता है? हाँ ऐसा तो होता है, आपको पता है घर वालों का तो बोलना होता ही है कि 12th है। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में गाता था तब तो इतना कोई था नहीं, लेकिन जब मैं अपनी वीडियोस डालना शुरू कर दिया, पहले तो मुझे इतनी मिलता नहीं था घर से। जब मैंने गिटारिंग सीखी तब जब बजाना शुरू कर दिया मैंने, जब गाना okay. शुरू कर दिया तो तब सभी को पसंद आना शुरू हुआ। तो अभी तो घर वाले भी काफी सपोर्ट करते हैं मेरी, तो मतलब कि अपनी तरफ से वो बहुत करते हैं, लेकिन अब आगे भगवान की मर्जी। बिल्कुल। और फिलहाल अगर फ्यूचर की बात करें तो क्या आगे स्टडीज भी जिस तरह से वो तो आप करेंगे, पर क्या अपना प्रोफेशन जो है सिंगिंग को ही पूरा प्रोफेशन बनाना चाहेंगे या पार्ट टाइम इसको रखेंगे? अभी तो यही मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोफेशन ही बन जाए मेरा, क्योंकि इस पे ही मैं मेहनत मारता हूँ, जितनी मारता हूँ यही है मेरा सब कुछ। अभी तो आगे वाहेगुरु जी की मर्जी, देखते हैं अब जितनी मेरे पे है कि अगर मैं मेहनती कितना हूँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ इस चीज के लिए, वो मेरे पे है। तो देखते हैं अब आगे क्या बनता है। बिल्कुल। और मैं चाहूंगी इसी के साथ एक और गाना कोई आप हमारे दर्शकों को सुना दें। तो एक गाना मैंने कवर भी किया था, तो काफी ट्रेंड में चल रहा है इंस्टाग्राम पे, वो अभी भी है, पहले चल रहा था पसूड़ी, तो मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी, तो आप तो सुनाते हैं। हूँ अगला वो मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू शहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं बूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के डस जावे बावा क्यों दी चोरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइया दी तेनू खबर किवे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाय बनया बनाया दी गल बात किवे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। सो इतना ही मैंने इसको कवर किया, इसकी इतनी वीडियो डाली है, तो मैं इतना ही सुना पाऊंगा इसको। बिल्कुल, बहुत ही नहीं बहुत ही अच्छा आपने गाना गाया है। मैं चाहूंगी जिस तरह से आपने बताया आपका इंस्टा पेज भी और काफी ज्यादा एक्टिव भी रहते हो, और तमाम हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अगर आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपके और गाने सुनना चाहते हैं, तो कहाँ पर वो आपको फॉलो कर सकते हैं, वो अपनी आईडी भी आप इनको बता दीजिए। मेरी आईडी है अरुणदीप सिंह जानू, तो वो इंस्टाग्राम पे मुझे सभी फॉलो करो, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे गेनिंग चाहिए। सोशल मीडिया पे मेरी गेनिंग होगी तो मुझे सपोर्ट भी मिलेगी, तो अगर सभी मेरे को फॉलो कर दें तो
मतलब कि मैं एक्टिव ही रहता हूँ, गाने अपने में डालता रहता हूँ उधर। बिल्कुल अंदीप, अगर आज के वक्त में बात करें, हम सभी जानते हैं कि डिजिटल का जमाना है, ऐसे में क्या लगता है कि सोशल मीडिया आप तमाम आर्टिस्टों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वजह से आपको एक प्लेटफॉर्म जो है वो मिल पाता है। सबसे जरूरी ही एक जो आर्टिस्ट के लिए ना सोशल मीडिया ही है, क्योंकि उधर से ही वो उठता है, उधर से ही उसका नाम बनता है। वो किस लेवल से कहाँ चला जाता है उसको पता भी नहीं चलता। तो मैं भी पहले क्या गाता था, ऐसे गाता था, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस डालने शुरू की, लोगों को अच्छी लगी, उन्होंने मेरी काफी सपोर्ट करते हैं, जो मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, काफी सपोर्ट मिलती है मुझे यहाँ से। एक आर्टिस्ट जो है ना वो एक इसी चीज का भूखा है कि तालियों का और तारीफ का, बस और कुछ। बिल्कुल, और बहुत जरूरत भी है। तमाम जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, हम यही कहेंगे कि आर्टिस्ट की बात करें तो जब उसे रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस का और एक सराहना मिलती है, तो उसी के लिए वही जो है एक मोटिवेशन रहती है। तो अरुण, जाते जाते कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, और खासतौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो इस तरह, कई बार इस तरह भी होता है कि सिचुएशंस लाइफ में इस तरह की होती है कि लोगों का पैशन होता है पर उसे वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, पर जिस तरह आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन तमाम ऑडियंस को? देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बनती है ना एक हम आर्टिस्ट की लाइफ में, वो होती है फाइनेंशियली, बड़ी प्रॉब्लम बनती है उनको, जो कि मेरे को भी काफी रही है, तो अभी भी है, वो तो किसी की ठीक हो नहीं सकती है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैं यही बोलता हूँ कि मेहनत पे डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत करते हो। मैंने पहले भी बोला कि जितनी, ये एक ऐसी चीज है कि इस गायकी की ऐसी चीज है ना, एक गहरा समुंदर है, जितना हम इस पे डूबते जाएंगे ना तो हमें किनारा नहीं मिलेगा। तो अभी मेहनत करके जो बाहर आएगा उसी का नाम होगा, तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहो, फल हमें खुद मिलेगा। बिल्कुल, तो मैं चाहूंगी अरुण, जाते जाते एक आखिरी गाना आप हमारे ऑडियंस को सुना दे, कोई भी अपना फेवरेट। तो एक शेर से शुरू करते हैं कि कोई हंसे के कोई हंसे के कोई हंसे तो तुझे गम लगे हंसी ना लगे, हे दिल लगी भी तेरे दिल को हे दिल लगी ना लगे, तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, के खुदा करे के तेरा मेरे बगैर जी ना लगे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आ कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आ कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, जरा मेरी बाहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूब अरुणदीप, और हम विश यू ऑल दी बेस्ट कि आप इसी तरह अपने ट्वेल्थ के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो करते रहें, और यही उम्मीद करते हैं कि आपका ये सपना जरूर पूरा हो और आपके जो फेवरेट सिंगर उनके साथ आपको जरूर एक दिन जो है वो प्लेटफॉर्म मिले कि जहां पर आप अपनी आवाज को तमाम लोगों तक पहुंचा सके। तो विश यू ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपका भी बहुत बड़ा थैंक्स जिन्होंने मुझे यहाँ पे इंटरव्यू लिया मेरा, आपका भी बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहता हूँ।
माई प्लेजर। तो थैंक यू सो मच अरुणदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये रजौरी से हमारे साथ अरुणदीप सिंह थे, और तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर में तमाम टैलेंटेड यूथ के साथ जो है आपकी मुलाकात करवाई जाए, और जेके न्यूज पॉइंट उनको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो है दिया जाए, ताकि अपने टैलेंट को वो जो है हमारे दर्शकों तक जो है पहुंचा सके। फिलहाल के लिए इस लाइव में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।